हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सतीश सिंह और आप देख रहे हैं सतीश सिंह यूट्यूब चैनल। तो अभी मैंने IQ Z6 मोबाइल लिया हुआ है और इसका कैमरा रिव्यू कर रहा हूं आपके सामने। तो ये जो फ्रंट कैमरा है, इससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और आपको दिखा दे रहा हूं कि इसका कैसा कैमरा है। आप खुद देख सकते हैं इसका कैमरा कैसा आ रहा है। और सामने की ओर 16 मेगापिक्सल कैमरा है, तो इसमें कोई अल्ट्रा वाइड ऑप्शन नहीं है। और सामने की ओर सिर्फ आप 1080p यानी कि 1080p पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और कोई और 720p पे, और 4K कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बैक कैमरा का भी दिखाऊंगा रिव्यू, जब से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप सामने में कोई स्टेबलाइजर नहीं दी गई है। और ये अपोजिट सन के आता हूँ मैं, कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं फोकस करता हूँ सन पे तो मैं खुद ब्लैक हो जाता हूँ। तो ये मैक्सिमम आपके चेहरे को कैच करता है, और पीछे का जो भी बैकग्राउंड जैसे सन है तो वो ब्लोन आउट हो जाता है। यानी अगर मैं सन के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि सन के सारे सामने हूँ तो कुछ काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा आपको। तो ये फ्रंट कैमरा, तो चलिए अब आपको बैक कैमरा दिखा देता हूँ। तो फ्रंट कैमरा में देख सकते हैं मैं चल रहा हूँ, कोई स्टेबलाइजेशन है नहीं, तो चलिए बैक कैमरा का रिव्यू देख लेते हैं। तो ये है बैक कैमरा, तो मैं अभी फ़िलहाल चल रहा हूँ। और बैक कैमरे में भी आपको करीब 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, लेकिन इसमें कोई स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है, जो कि देना चाहिए था इस प्राइस रेंज में, लेकिन नहीं दिया गया है। और आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं कैसा है। और मैं आपको फोकस का स्पीड बताऊं तो फोकसिंग भी अच्छा कर लेता है। जैसे मैं तो पत्ते को फोकस करता हूँ, वादेदार फोकसिंग स्पीड काफ़ी अच्छी है इसकी। और मैं आपने दिखा रहा हूँ आपको सूर्य है यानी सन, तो सन कैसा आ रहा है। और इधर का डायरेक्ट व्यू कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं। तो इसमें 1x 2x है, तो मैं अगर 2x करता हूँ तो ये इतना जूम हो जाएगा। मैक्सिमम आप 10x कर सकते हैं, इसमें 8x कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ये है इसका जूम है, जो कि मैक्सिमम 8x तक जा सकता है। और ये 1x है, तो इसमें भी कोई स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। मैं आपको सामने दौड़ रहा हूँ, तो वीडियो काफ़ी सेकी हो रही है। तो ये इसका बैक कैमरा का था, और आपको मैं पूरा मेनू दिखाऊंगा कैसा मेनू है इसका, कैमरे का लेआउट, क्या क्या फंक्शन दिया गया है, मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो चलिए अब मेनू पे क्लिक करते हैं, उसके बाद मैं आपको मेनू दिखाने के बाद आपको पूरा वीडियो शॉर्ट्स अलग अलग का, जैसे 1080p 860fps में रिकॉर्ड किया मैंने, तो वो भी डालूंगा। बैक कैमरे से 1080p 860fps तक मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हैं, 4K का कोई ऑप्शन नहीं है। और कैमरा सैंपल्स में आपको डाल दूंगा, ताकि आप कैमरे से भी पता कर सकें कि कैसा कैमरा आता है इसका, फ़ोटोज वोटोज और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का फ़ोटो मैं आपको सैंपल्स डाल दूंगा, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो जाए कैसा कैमरा आ रहा है। तो चलिए अब लेआउट पर क्लिक करता हूँ। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने फ़ोन का, तो चलिए कैमरा देख लेता हूँ। तो कैमरे में देख सकता है कुछ ऐसा लेआउट आता है, आपको सामने दिख रहा होगा। तो चलिए मैं आपको पूरा इसका क्या क्या दिया गया है। तो जैसे अभी फोटोज पे 3 डॉट क्लिक करेंगे तो यह फ्रेम का ऑप्शन है, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो 4:3 डिफ़ॉल्ट रहता है। उसके बाद काउंटलाइन है, फ्रेमिंग लाइन से, ताकि इसको ऑन करेंगे तो यह फ्रेमिंग लाइन आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैश लाइट है, ऑटोमेटिक ऑन, फेल लाइट ऑफ। और ये मैक्रो मोड के लिए दिया गया है, तो मैक्रो मोड का कैमरा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो इसे दिखा देता हूँ एक बार। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो मोड है, तो काफ़ी पास का ये मैक्रो मोड कैप्चर कर लेता है, हम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जूम का आप नहीं यूज कर सकते इसमें, तो मैं जैसे अभी जूम करने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये जूम नहीं हो पा रहा था। ये माइक्रो ऑप्शन, इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पे HDR आ रहा है, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में शटर साउंड, लोकेशन, मिरर, सेल्फी, वाटर मार्क, शटर, पोर्ट्रेट फ्रेमिंग, और ये सब ऑप्शन है। और AI ऑटो फोकस, तो ये कुछ नया फीचर है, जैसे ये आपके आँखों की स्कैन करेगा। और यहाँ पर वाटर मार्क है, आप चाहे तो मॉडल वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क, और टाइम जब भी आप फोटो खींचेंगे तो वहाँ पे आपको टाइमिंग शो करेगा, आपका फ़ोन का मॉडल शो करेगा। तो
तो अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ वीडियोज में क्या क्या ऑप्शन है। तो वीडियोज में जैसे ये यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ रिजोल्यूशन में 1080p और 720p में आप कर सकते हैं, और यहाँ पे जो फ्रेम रेट है आप 60fps और 30fps में कर सकते हैं, लेकिन आप फ्रंट कैमरे में कोई भी fps नहीं दिया गया है, सिर्फ 1080p में कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे फिल्टर्स मोड दिए गए हैं, तो आप फिल्टर्स मोड का यूज़ करके अच्छे अच्छे फ़ोटोज क्लिक कर सकते हैं। फिल्टर्स काफ़ी दिए गए हैं, आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर पोर्ट्रेट में अगर आप फ़ोटो लेंगे, जैसे पोर्ट्रेट में आप मान लीजिए कोई फ़ोटो लेंगे, तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं पोर्ट्रेट होते हुए, लेकिन यहाँ पे जो बोके मोड है आपको इस पर क्लिक करना होगा, और जैसे जैसे आप ऐसे इसको बढ़ाएंगे एक्सलेंट की तरफ, ये आपका बैकग्राउंड पीछे का ब्लर होता जाएगा, और जैसे जैसे घटाएँगे वो क्लीन होता जाएगा। जैसे मैं आपको एक फ़ोटो खींच के दिखा देता हूँ एक्सलेंट पर करके, ये फ़ोटो मैंने लिया, आप देख सकते हैं फ़ोटोज काफ़ी अच्छी है। ये फ़ोटो मैं अपलोड भी कर दूंगा, मतलब सैंपल्स में डाल दूंगा, तो फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रंट कैमरा मुझे इसका अच्छा लगा और बैक कैमरा भी अच्छा लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से और इस 5G फ़ोन के हिसाब से। और आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। इसमें ब्यूटी मोड दिया गया है, फ़िल्टर मोड दिया गया है, तो ऑप्शन बहुत सारे हैं कस्टमाइजेशन में, तो आप इसको खरीद सकते हैं फ़ोन को, क्योंकि फ़ोटोज मुझे काफ़ी इसकी अच्छी लगी। और फंक्शन बताऊँ मैं तो आपको, यहाँ पे जो मोर ऑप्शन है इसमें आने के बाद आपको 50 मेगापिक्सल पैनो, लाइव फ़ोटो, स्लोमो, टाइम लैप्स, प्रो, एयर स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो आप इन सबको यूज करके आप 50 मेगापिक्सल कर क्लिक कर आप 50 मेगापिक्सल तक का फ़ोटोज क्लिक कर सकते हैं। मैंने क्लिक किया, आपको सैंपल्स डाल दूंगा कैसा है। 50 मेगापिक्सल आप बहुत सारा जूम करेंगे तो एकदम क्लीन आएगा, देख सकते हैं आप, ये फ़ोटो ब्लरी नहीं हो रही है, मतलब फट नहीं रही है। तो ये सारे मोड्स हैं, तो आप इन सबको यूज कर सकते हैं। एआर स्टिकर, डॉक्यूमेंट, टाइम लैप्स, स्लोमो भी बना सकते हैं आप इसमें। प्रो वर्जन में जाने के बाद आप कुछ मैनुअली सेटिंग करके आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं तो ये ऑटो फोकस है, आप इसको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैं इधर कर रहा हूँ और मैं इधर करूँगा तो मेरे हाथ को पीछे का बैकग्राउंड लिया और यहाँ से रखिए। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, मतलब सब फ़ोन में आता है नॉर्मली, तो यही सब इसका मेनू लेआउट है, तो बस यही था। तो चलिए आपको सैम्पल्स और वीडियोज़ दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़े मिनट का, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कैसा वीडियो क्वालिटी है।